माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे एग्रीकल्चर लीडरशिप एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव के बारे में। भारत सरकार की नई योजनाएं आए दिन देश के नागरिकों को लेकर समर्पित होती है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर हो। हालांकि इस बार भारत सरकार ने नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य से जुड़े एक अहम पहलू को संज्ञान में लिया है। क्या है वो पहल और इसके पीछे भारत सरकार की मंशा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 13 दिसंबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में आयोजित किए गए एग्रीकल्चर लीडरशिप एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव के दौरान कहा है कि चावल और गेहूं के जैसे मोटा अनाज को भी हमारी थाली में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि उनका कहना ये भी है कि कोरोना महामारी के दौरान हम सभी ने ये अनुभव किया है कि बेहतर स्वास्थ्य और पोषक तत्व हमारे लिए कितना मायने रखता है। हालांकि इस आयोजन का मकसद ये भी था कि पोषक तत्व से भरे मोटा अनाजों को देश और विदेशों में भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। बता दें कि बाजरे की खेती भारत के लिए नया नहीं है, पुराने जमाने में लोग मोटा अनाज को भी एक अहम फसल के रूप में उपजाते थे ताकि वो अपने पालन पोषण के साथ साथ इस अनाज को भी बाकी अनाजों के समान बाजार में बेच सके। हालांकि बाजार में बढ़ते कंपटीशन के चलते पिछले कुछ दशकों में किसानों का फोकस गेहूं और चावल पर ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में मोटा अनाज की खेती में भारी गिरावट आई है। भारत सरकार मोटा अनाज को इसलिए भी प्रमोट कर रही है क्योंकि इसके उत्पादन में ज्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। जबकि बात गेहूं और धान की जाए तो उसकी खेती में पानी का अधिक उपयोग होता है और इसके अलावा मोटा अनाज के उत्पादन में यूरिया और दूसरे रसायनों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बताया जाता है कि आज से 50 साल पहले भारत के कुल अनाज उत्पादन में से मोटा अनाज की हिस्सेदारी 40% तक थी। मोटा अनाज में शामिल होते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, सवा, कोंदो इत्यादि। हालांकि भारत इतना सक्षम है कि ये अपना अनाज खुद की जरूरतों को पूरा करने के बाद भी विदेशों में भेजा करता है, लेकिन इस सप्लाई में मोटा अनाज की भागीदारी काफी कम है। लेकिन अब सरकार की कुछ असरदार नीतियों की वजह से भारत मोटा अनाज की खेती में वृद्धि लाकर पूरे विश्व में इसका सप्लाई बढ़ाना चाहता है। क्योंकि मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद है और इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मोटा अनाज को उपजाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जल संकट से जूझ रहे इलाके भी इसकी खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा इस अनाज के अत्यधिक उत्पादन से भुखमरी जैसी समस्याओं से भी निजात मिल सकता है। इसके अलावा इन मोटे अनाजों के पास फसल पकने की कम अवधि और कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने ये घोषणा किया है कि भारत के नेतृत्व में आयोजित किए जाने वाले इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वर्ष 2023 में मनाया जाएगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत की थी, जिसे 72 देशों ने भी सपोर्ट किया है। बताया जा रहा है कि इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के आयोजन के बाद से भारत और पूरे विश्व में मोटे अनाज की खपत बढ़ेगी, जिससे कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होगा। आजकल पोषक तत्वों की कमी साफ तौर पर हमारे खान पान में दिखती है। लोग अगर मोटा अनाज को अपने प्रतिदिन के खान पान का हिस्सा बना लेंगे तो उनकी सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटा अनाज को प्रमोट करने की ये पहल किस हद तक कारगर साबित होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।